आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में शुक्रवार को हुई तेज बारिश एक बार फिर से कहर बनकर बरसी है। बाला नदी में डूबने से एक प्रवासी मजदूर की मौत होने का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार दोपहर करीबन 2 बजे की बताई जा रही है, जब एक मजदूर बालद नदी पर बने पुल से होता हुआ दूसरी ओर जा रहा था, तभी अचानक पीछे से कोई गाड़ी आई। वो गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुनकर मजदूर घबरा गया तथा उसका पैर फिसला और नदी के बीच गिर गया। पुलिस व मजदूर के परिजनों ने नदी में ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन नदी का जलस्तर इतना ज्यादा होने की वजह से उसका कोई पता नहीं लग पाया है। पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा पूरी रात मजदूर को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुबह करीबन 10:30 बजे प्रवासी मजदूर का शव पत्थरों के बीच फंसा मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी है। एक 1:15 बजे के टाइम पर निकल रहे तो किसी गाड़ी निकली, उसने हॉर्न वगैरह दिया, पुल की साइड में इधर रेलिंग कम है तो पैर डगमगा गया, उसी में ये नदी में गिर गई। अरे पुल के ऊपर से चल रहा था ये? हाँ, रोड पे चल रहा था। हाँ, रोड पे। अच्छा। हाँ। कितनी उम्र है इनकी? 32। और कितने बच्चे शादीशुदा है? चार बच्चे हैं, सबसे बड़ा लड़का 12 साल का है। मंत्राम बोल रहे हैं, हमारे दीवान थे तो जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे ये? मतलब जा रहे थे कंपनी वालों की डोल डाल के, किधर का जा रहे थे तो गाड़ी भाड़ी आई तो गाड़ी से हटे रोड पे आते पुल के। अच्छा। रोड पे ऊपर पुल के ऊपर रोड पे जा रहे थे, गाड़ी से आ गए थे, ये हटे हुए कछु हो ये पुल के नीचे गिर पड़े। पुल के ऊपर से नीचे गिरे? 1 बजे की बात है। 1-2 बजे की बात, 1:45 बजे की बात है। और आपका क्या लगता है? ये इनका उमेश। उमेश कहाँ का रहने वाला? ये जिला मैनपुरी है जी। जिला मैनपुरी यूपी। मैनपुरी यूपी है जी। ठीक है। उम्र कितनी? 32 साल। बत्तीस साल। नेशन न्यूज के लिए नालागढ़ ब्यूरो मोहम्मद रफी की रिपोर्ट।